तीसरा बाब सरदीस की कलीसिया को पैगाम। और सरदीस की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख कि जिसके पास खुदा की सात रूहें हैं और सात सितारे हैं, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू जिंदा कहलाता है और है मुर्दा। जागता रह और उन चीजों को जो बाकी हैं और जो मिटने को थीं मजबूत कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने खुदा के नजदीक पूरा नहीं पाया। बस याद कर कि तूने किस तरह तालीम पाई और सुनी थी, और उस पर कायम रह और तौबा कर, और अगर तू जागता न रहेगा तो मैं चोर की तरह आ जाऊंगा और तुझे हरगिज मालूम ना होगा कि किस वक्त तुझ पर आ पड़ूंगा। अलबत्ता सरदीस में तेरे यहां थोड़े से ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी पोशाक आलूदा नहीं की। वो सफेद पोशाक पहने हुए मेरे साथ सैर करेंगे, क्योंकि वो इस लायक हैं। जो गालिब आए उसे इसी तरह सफेद पोशाक पहनाई जाएगी, और मैं उसका नाम किताब हयात से हरगिज ना काटूंगा, बल्कि अपने बाप और उसके फरिश्तों के सामने उसके नाम का इकरार करूंगा। जिसके कान हों वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। फिलदिल्फिया की कलीसिया को पैगाम। और फिलदिल्फिया की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख कि जो कद्दूस और बरहक है और दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं करता और बंद किए हुए को कोई खोलता नहीं, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। देख, मैंने तेरे सामने एक दरवाजा खोल रखा है, कोई उसे बंद नहीं कर सकता, कि तुझ में थोड़ा सा जोर है और तूने मेरे कलाम पर अमल किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देख, मैं शैतान के उन जमात वालों को तेरे काबू में कर दूंगा जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और हैं नहीं, बल्कि झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वो आकर तेरे पांव में सिजदा करेंगे और जानेंगे कि मुझे तुझसे मोहब्बत है, क्योंकि तूने मेरे सबर के कलाम पर अमल किया है। इसलिए मैं भी आजमाइश के उस वक्त तेरी हिफाजत करूंगा जो जमीन के रहने वालों के आसमाने के लिए तमाम दुनिया पर आने वाला है। मैं जल्द आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे, ताकि कोई तेरा ताज ना छीन ले। जो गालिब आए मैं उसे अपने खुदा के मकदस में एक सतून बनाऊंगा, वो फिर कभी बाहर ना निकलेगा, और मैं अपने खुदा का नाम और अपने खुदा के शहर यानी उस नए यरूशलेम का नाम जो मेरे खुदा के पास से आसमान से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जिसके कान हों वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। लौदीकिया की कलीसिया को पैगाम। और लौदीकिया की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख कि जो आमीन और सच्चा और बरहक गवाह और खुदा की खिलकत का मबदा है, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि ना तू सर्द है ना गर्म, काश कि तू सर्द या गर्म होता। बस चूंकि तू ना तो गर्म है ना सर्द, बल्कि नीम गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूं। और चूंकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूं और मालदार बन गया हूं और किसी चीज का मोहताज नहीं, और ये नहीं जानता कि तू कमबख्त और खार और गरीब और अंधा और नंगा है, इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूं कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले, ताकि दौलतमंद हो जाए, और सफेद पोशाक ले, ताकि तू उसे पहनकर नंगेपन के जाहिर होने की शर्मिंदगी ना उठाए, और आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले, ताकि तू बीना हो जाए। मैं जिन जिन को अजीज रखता हूं उन सब को मलामत और तंबीह करता हूं। बस सरगर्म हो और तौबा कर। देख, मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ।
जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बिठाऊंगा, जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया। जिसके कान हों वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है।